मेरा नाम डॉक्टर हई बलोच है, वाइस प्रेसिडेंट वाई डी ए बलोचिस्तान, यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन बलोचिस्तान। सबसे पहले तो आप दोस्तों का शुक्रिया। देखें, आज तकरीबन 2 मई को हमारे एक कैबिनेट का इजलास हुआ था, जिसमें डॉक्टर कलीम की सदारत हुई थी और डॉक्टर कलीम और पूरे कैबिनेट ने यह फैसला कर दिया था कि 6 मई 2023 से पूरे बलूचिस्तान में मेंबर साजी शुरू हो जाएगी। जो मतलब हम लोगों ने यही समझा था कि ये तंजीम को मज़ीद मजबूत और मुतहद बनाने के लिए ये ज़रूरी, एक तंजीम की साख्त को बनाने के लिए ज़रूरी अमल है, तो जितना जल्दी हो सकता है इसको अमल को शुरू कर लें। आज हमारा पहला दिन है, बीएमसी और सिविल हॉस्पिटल से हम लोगों ने मेंबर साजी शुरू कर दी है और हमारे तकरीबन 200 प्लस डॉक्टर्स जहाँ से अभी तक रजिस्टर्ड है बीएमसी से, और सिविल हॉस्पिटल में भी इस तरह है। और ये देखें, आजकल जो हालात है वो अलाउंसेस के हवाले से हो या पीजी स्टेपमेंट के हवाले से हो या पोस्टिंग के हवाले से हो, बहुत सारे ऐसे डॉक्टरों के मसले हैं जो हम लोग समझते हैं कि जो वो उन मसाइल का सिर्फ़ और सिर्फ यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन बलूचिस्तान हल कर सकती है उन मसाइल को। तो हम लोगों ने पहले ही स्टेप हमारा यही था कि मेंबर साजी शुरू कर दें, ताकि हमारे मेंबर्स जितने भी हैं वो तंजीम में आकर ख़ुद को रजिस्टर करवाएं और डॉक्टर्स कम्युनिटी के जितने भी मसाइल हैं वो चाहे जिस मतलब डिस्ट्रिक्ट से हो चाहे जिस हॉस्पिटल से हो, उनके जो भी बुनियादी मतलब ज़रूरियात है और जो अलाउंसेज वगैरह है, जो डॉक्टरों के मसले हैं, उनको बेहतर तरीके से हम लोग इंशाल्लाह इससे पहले भी हल कर चुके हैं और आइंदा भी हल कर लेंगे। मेरा नाम डॉक्टर दाऊद बलोच, मैं डिप्टी ऑर्गेनाइज़र हूँ आईडीए बलोचिस्तान बीएमसीएच, मेरा ताल्लुक है, मैं पीजी हूँ मेडिसिन का। असल में हमारे जो यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का बेसिकली जो तंजीम का बनने का वजूहत में से जो मोरकात हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनने का, वो ये थे कि हमारे जितनी यंग डॉक्टर्स हैं हॉस्पिटल्स में, जिसमें पीजीज आते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट, मोस्टली हॉस्पिटल को चलाने वाले पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स होते हैं, एमओज होते हैं या हाउस ऑफिसर्स होते हैं, उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हमने आज मेंबरशिप 2023 मेंबरशिप का आज हमने स्टार्ट लिया हुआ है। आज 6 तारीख से 6 मई से हमारा मेंबरशिप स्टार्ट हुआ है और हमारा जो बुनियादी मसाइल हैं वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फैसिलिटेशन के हवाले से हैं, जिसमें हॉस्पिटल में गरीब आवाम के लिए और जो डॉक्टर्स यहाँ पे इवनिंग नाइट और मॉर्निंग ड्यूटीज़ करते हैं उनके सहूलियत के हवाले से जो हमारे मसाइल हैं उन पे हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्टैंड लेती है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन उन पे बात करती है, उन पे आवाज़ उठाती है और आवाज़ उठाती रहेगी इंशाल्लाह। और उनमें से जैसे अभी अगर हम ले लें, अभी आजकल हमारे पास हॉस्पिटल्स में सिरिंजेस से लेकर सीटी एमआरआई तक नहीं है। सिरिंजेस जो 5 रुपये 10 रुपये का होता है, उससे लेकर जो लाइफ सेविंग ड्रग्स होते हैं, जिसमें सोलोकॉटिफ होते हैं, जिसमें आपके स्टीरॉइड्स होते हैं, जिसमें एविल टैप इंजेक्शन होते हैं, जिसके अलावा आपके एंटीबायोटिक होते हैं, जो बेसिक एंटीबायोटिक, वो भी आपके हॉस्पिटल में हमारे पास अवेलेबल नहीं है। और इसके अलावा डॉक्टर्स के लिए मुश्किलात ये होते हैं, जो हमारे डॉक्टर्स ड्यूटी करते हैं उनके पे के हवाले से मसाइल होते हैं। हमारे ऐसे भी डॉक्टर्स हैं जिनको अभी 10-10 महीने 12-12 महीने के बाद भी अभी भी उनको तनख्वाहें नहीं मिली हैं। 16-16 महीने के बाद अगर तनख्वाहें मिलती हैं तो 4 महीने की मिलती हैं, जो एक नाइंसाफ़ी है हमारे डॉक्टर्स के लिए जो यहाँ पे ड्यूटी करते हैं, और उनके लिए बहुत मुश्किल होती हैं कि वो इन सिचुएशन पर भी वो लोग ड्यूटी करें, वो अपने जो खिदमत हैं वो सर अंजाम दे सकें, क्योंकि हर किसी के अपने फैमिलीज़ होते हैं, तो उनके लिए आवाज़ उठाना हमारा फ़र्ज़ बनता है और हम आवाज़ उठाते हैं और आवाज़ उठाते रहेंगे इंशाल्लाह।